अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनवित तारिक। तो आज के इस वीडियो की क्लास 3 है। जी हाँ, इससे पहले हम दो क्लास कर चुके हैं फेसबुक की एडिटिंग के बारे में, जिसमें हमने इंडियन आइडल्स और WWE पे कैसे वर्क करना है वो सीखा है। तो इस पे भी बहुत ज़्यादा भाइयों ने डिमांड की थी कि तारिक भाई हमें इंडियन मूवीज़ पे या किसी भी मूवीज़ पे काम करना सिखाएं, कि हम उसको कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे हम कॉपीराइट स्ट्राइक से बच सकते हैं और कैसे मतलब उसकी मतलब सारी चीज़ें फुलफिल करके उसको वर्केबल बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। काइंडली ये वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आप एडिटिंग सीख जाते हैं ना, तो फेसबुक पे अर्निंग जो कर रहे हैं आप, चांसेस है कि 90% कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। 10% आप शेयरिंग से कामयाब होंगे। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और चल के आज की क्लास लेते हैं कि एडिटिंग कैसे करनी है। तो सिंपल, इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चले लैपटॉप की स्क्रीन पे। हम आ गए लैपटॉप की स्क्रीन पे। इधर मैं आपको प्रो लेवल की एडिटिंग करके दिखाऊंगा आज। आपको ये चार चीज़ें चाहिए होंगी, इनका यूज़ कैसे करना और ये क्या है आगे चल के आपको बताता हूँ। तो सिंपल, आपने एक बैकग्राउंड म्यूजिक, एक मूवी क्लिप और एक बैकग्राउंड किसी भी कलर का मतलब पिक और एक क्रोमा की वाला, ये लाइक वाला, ठीक है। ये चारों चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए अगर आपने प्रो लेवल की एडिटिंग करनी है। तो इनको हम यूज़ कैसे करेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आगे चल के करके दिखाता हूँ। बहुत ही इजी से स्टेप हैं, आप सीख जाते हैं तो आप प्रो हो जाएंगे। तो ये देखिए, सिंपल मैंने इधर फिल्मोरा ओपन किया हुआ है। इधर मैं सबसे पहले इसका फ्रेम सेलेक्ट कर लेता हूँ 1:1 का, 30 FPS कर लेता हूँ। इसको ओके कर लेता हूँ जी। इसको ओके करने के बाद अब मैं सबसे पहले बैकग्राउंड किसी भी कलर की पिक इधर ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद हमने करना है जी इसको एडजस्ट। तो वो हम कैसे करेंगे, सिंपल आपने इसको सबसे पहले नीचे वाले पोर्शन पे ले आना है वीडियो के, जहाँ पे हमने वीडियो रखनी है। ये हम मतलब एक ऐसा तरीका यूज़ कर रहे हैं जिसको फेसबुक का बाप भी नहीं पकड़ सकता, ठीक है। तो इसको हमने अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद इसी को कॉपी करना है और ऐसे ही जैसे हमने नीचे किया था वैसे ही हमने ऊपर वाले पोर्शन पे भी इसको रख देना है अच्छी तरह से, इसको बराबर मतलब क्रॉप करके। आप क्रॉप करके भी रख सकते हैं या वैसे भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सिंपल हमने रख लिया। उसके बाद हम करेंगे जी अपना मूवी का क्लिप इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद हम इसको करेंगे जी एडजस्ट। जैसे मतलब आप 1:1 का फ्रेम हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो कोशिश करेंगे कि अगर इसमें कोई लोगो या कोई वाटरमार्क आ रहा है तो वो शो ना हो, ताकि देखने वाले को इजी लगे और फेसबुक को ये पता ही ना चले कि ये ओरिजिनल है या हमने एडिटिंग की हुई है। मतलब आपने एडिटिंग ही इस लेवल की करनी है कि फेसबुक वाले आपको कुछ कहीं ना कहें, हमारी खाला के बेटे हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इसको आपने एडजस्ट कर लेना है। थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखें तो ये कुछ इस तरह की लग रही है, अभी भी ये ठीक नहीं है। तो इसको हमने कैसे और करना है अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो ऊपर हमारे बैकग्राउंड है ना, इनको हमने सबसे पहले तो प्ले करके देख लेता हूँ जी हाँ। ये देखें अभी वो बैकग्राउंड हट गए हैं, तो इसको हमने शुरू से लेके एंड तक लेके जाना, ठीक है। उसके लिए मैं सबसे पहले अपनी इस क्लिप को थोड़ा सा छोटे साइज में कर लूँगा ताकि मुझे ईजी हो जाए। उसके बाद इसको पकड़ूंगा और आहिस्ता आहिस्ता एंड पे ले जाऊंगा, जैसे कि मैं आपके सामने लेके जा रहा हूँ। सिंपल आपने वीडियो के एंड तक मतलब जो भी आपका क्लिप होगा ना, उसके एंड तक ये चीज़ लेके जानी है, मतलब कुछ चीज़ मिस नहीं करनी। ये ऊपर वाला आ गया, आप नीचे वाले को भी सेम आपने एंड तक लेके जाना है, नीचे वाले पोर्शन पे भी जो येलो कलर का है। ये मैंने क्यों लगाया है अभी एंड पे आपको बताऊंगा। तो ये मैं लेके जा रहा हूँ अब ऊपर वाले हिस्से को। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसको ले जाते हैं जी उसके बराबर जहाँ पे हमने रखा हुआ था। तो ये हो गया जी हमारे दोनों हिस्से बराबर। अब मैं फिर वीडियो के स्टार्ट में आ जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये मैंने इस किसके लिए या क्यों लगाई है, ठीक है। अभी आपके सामने एडिटिंग कर रहा हूँ, सेम आपने कुछ चीज़ मिस नहीं करनी। अब हम इस पे लगाएंगे जी फिल्टर। फिल्टर हमने कोई भी लगा लेना है। फिल्टर लगाने से हमारी जो वीडियो की क्वालिटी होगी ना, वो चेंज हो जाएगी और फेसबुक का एल्गोरिथम पकड़ नहीं सकेगा। तो मैं इधर से एक फिल्टर डाउनलोड कर लेता हूँ और अपनी इसी क्लिप पे मैं मतलब ऐड कर लेता हूँ। आपने भी कोई भी फिल्टर जो आपको अच्छा लगे, कोशिश करें कि यही फिल्टर लगाएं जो मैंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। मैं हमेशा यही यूज़ करता हूँ। तो इसको लगाने के बाद ये देखें थोड़ा सा मूवी का कलर चेंज हुआ है। अब इसकी मतलब कलरिंग भी हो गई है और इसकी पिच भी अभी हम हाई करेंगे इसके साउंड की, ताकि फेसबुक वाले पकड़ ना सकें। तो उससे पहले मैं यहाँ पे आके ना दो तीन ऐसे मतलब छोटे छोटे पार्ट्स, मतलब एक मिनट से कम पार्ट्स निकाल लेता हूँ, जो कि मैं वीडियो के शुरू में लगाऊंगा। वो शुरू में क्यों लगाऊंगा, कि देखने वाला स्टार्टिंग में बोर ना हो और इसको ये चीज़
अट्रैक्टिव लगे और ये जाने कि इस वीडियो में है क्या ऐसा। तो मैं इसी क्लिप से वो निकालूंगा। सिंपल मैं इधर थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ और देख लेता हूँ इधर कौन सा क्लिप मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा, हाँ ये वाला, ये जहाँ पे आमिर खान दीवार पे वाटरमार्क लगा रहा है ना, तो यहाँ पे मैं इसको लगाऊंगा सीधर और इसको थोड़ा सा प्ले करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा इसको स्टॉप। और ये निकलाया मेरा एक क्लिप, इसको मैं सिंपल स्टार्ट पे ले चलूंगा। ये मेरा चला गया स्टार्ट पे। तो इसके बाद हम एक और क्लिप निकालेंगे। आपने कोशिश करनी है कि जिस भी मूवी को एडिट करना है या जिस भी मूवी क्लिप को एडिट करना है, पहले उसको अच्छी तरह देख लेना है कि इसमें से वो दो तीन ऐसे क्लिप्स निकल सकते हैं कि नहीं। सिंपल मैं भी पहले देखता हूँ, फिर उसके बाद ही इसको एडिट करता हूँ ताकि ये हमारी वीडियो रन हो, हमारी वीडियो अच्छा हमें दे, क्योंकि एडिटिंग में आधा घंटा घंटा लग जाता है। तो सिंपल मैं इधर एक और क्लिप ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कोई और एक अच्छा सा क्लिप मिल जाए। तो अगर मुझे यहाँ पे एक, हाँ ये यहाँ पे एक और क्लिप है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे वो बाबा जी बैठे होते हैं डंडे के ऊपर, तो आमिर खान भागते भागते उसकी लंगोटी निकाल लेते हैं। तो मैं इधर आ जाता हूँ, ये यहाँ ये वाला पार्ट अब मैं क्रॉप करने जा रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और देखने वाले को भी अच्छा लगेगा। तो सिंपल मैं इसको सीजर लगाता हूँ, सीजर लगाने के बाद मैं थोड़ा सा इसको और प्ले करता हूँ और इधर से कट कर लेता हूँ जी। जैसे ही इसको मैं कट करूंगा, इसको भी मैं सेम टू सेम ले चलूंगा। अभी थोड़ा सा फ्रेम मैं एडजस्ट कर लूँ, तो इसको भी मैं कट करूंगा और इसको भी ले चलूंगा स्टार्ट में, ठीक है, ताकि हमारा देखने वाले ये चीज़ है ना, ये लोगों को अच्छी लगे। इधर से हम कट करेंगे, कट करने के बाद इसको भी ले चलेंगे जी अपनी मूवी के स्टार्ट में। स्टार्ट में ले जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पर हमने वो चमत्कारी वाला कौन सा फिल्टर ऐड करना है, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स मेरे पास हो गए हैं, अब हम इसको लगाएंगे जी वो दो ऊपर ट्रांजैक्शन। तो उसके लिए मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसको कर दूंगा जी ऐड, दूसरे को भी इसको ऐड कर दूंगा और अब मैं थोड़ा सा प्ले करके देखूंगा जी देखें हमारी कुछ देखने में मूवी किस तरह लग रही है, ठीक है। तो ये देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। आपने भी सेम यही प्रोसेस अपनी मूवीज़ या अपने क्लिप्स के साथ कर लेना है। तो मूवी के एंड तक ये देख लें हर चीज़ बराबर है। उसके बाद हम आएंगे जी बैकग्राउंड म्यूजिक में, इसको करेंगे जी ऐड और इसकी पिच कर देंगे जी बहुत कम, लो कर देंगे, बिल्कुल लो कर देंगे इसकी पिच। ये देखिए मैंने इसकी पिच बिल्कुल लो कर दी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसमें एक म्यूज़िक और ऐड हो गया। बेसिकली जब भी कुछ स्ट्राइक आता है वो मतलब साउंड पे आता है जनरली तौर पे। तो इसको मैं क्रॉप करके इसको कंट्रोल सी करूँगा और पूरी मूवी तक, मतलब जहाँ पे मेरा क्लिप है ना, पूरी मूवी के क्लिप तक बैकग्राउंड ऐड कर दूंगा कंट्रोल वी करके, ठीक है। आपने भी कॉपी पेस्ट करना है सिंपल। तो इधर से मैं इसका फालतू वाला पार्ट काट दूंगा। ये हमारा हो गया जी ख़त्म। अब हमारी मूवी हो गया तकरीबन तैयार। अब हमने इधर क्या करना है, इधर हमने लगाना है जी एक टेक्स्ट वाला फॉर्म। वो क्यों लगाना है, वो जो ऊपर हमने और नीचे हमने जो येलो कलर का दो बॉर्डर दिए हुए हैं ना, उन पर हमने लिखना है जी टेक्स्ट, ताकि देखने वाला मतलब इसको और अच्छी लगे और वो जानना चाहे कि इस मूवी में क्या है। तो सिंपल ये इधर आपने लिख लेना है, मैं इधर लिखूंगा क्रोम से, गूगल क्रोम से मैंने कॉपी किया हुआ है बेस्ट मूवी सीन। इसका मैं फ्रेम सेलेक्ट कर लूँगा और एडजस्ट कर लूँगा बिल्कुल बराबर येलो बॉर्डर के ऊपर। तो मैं इसका सबसे पहले इसका जो कैपिटल कर लूँगा फर्स्ट वर्ड, तीनों मतलब जो भी हैं बेस्ट मूवी सीन्स के, तो इसको मैं छोटा करके बिल्कुल ऊपर अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से बिठा दूंगा, ताकि देखने वाले को भी अट्रैक्टिव लगे और पता चले कि किसी ने एडिटिंग की है। ये देखें इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ ऊपर। अब ये कलर मुझे ठीक नहीं लग रहा तो मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करूँगा, ये भी मुझे ठीक नहीं लग रहा तो इसको मैं स्ट्रोक दे दूँगा तो ब्लैक। तो ये देखें काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है देखने में। तो सेम इसी तरह एक और टाइटल मैं इधर ऐड करूँगा ताकि मैं नीचे वाले बॉर्डर पर भी ऐड कर सकूँ, लेकिन उससे पहले इसको तो मैं एंड तक लेके जाऊँ ना, छोड़ के आता हूँ मैं इसको मूवी के क्लिप के एंड तक, ताकि हमारी एडिटिंग पूरी हो जाए, एक एक लेयर हमारी कंप्लीट होती जाए। तो सिंपल इसको मैं कर लेता हूँ जी एक और इधर ऐड, वही टेक्स्ट वाला। तो उसको भी मैं कॉपी करके इधर इसका थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगता हूँ और इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो उसके बाद हम एक और ऐड करेंगे, ठीक है, ये मैंने ऐड किया। अब इसको भी मैं शुरू से लेके एंड तक ले जाता हूँ, ठीक है, आपने भी बराबर लिखना है। अब ये नीचे वाले बॉर्डर पर हम लगाएंगे, ठीक है। इधर हमने लिख लेना है कि गेस द मूवी नेम, मतलब मूवी का कोई भी आप कुछ भी लिख सकते हैं जो लोग मतलब देखें या कमेंट्स करें। अब लोग कमेंट्स करेंगे तो आपके पेज की अच्छी खासी रीच जाएगी, ठीक है। तो इसको हम नीचे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जी पेस्ट। सेम उसी तरह इसका फ्रेम सेलेक्ट करेंगे और इसका और कैपिटल
कर लेंगे फर्स्ट वर्ड, ठीक है। उसके बाद हम इसको नीचे इजीली एडजस्ट करेंगे जैसे कि हमने ऊपर किया हुआ था, सेम आपने इसी तरह कर दिया। 10 से 12 मिनट की ये मूवी मैंने एडिट करके आपके सामने दिखा रहा हूँ, आपका कोई टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। आप एक दफ़ा एडिट करके चला के देखना मूवी, ठीक है, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा इसका, कोई आपके सामने नहीं है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा कलर देता हूँ, स्ट्रोक देता हूँ। स्ट्रोक देने के बाद मैं इसको कर देता हूँ जी ओके। तो ये हमारे पास सेव हो गई है, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी ऐड हो गया, ऊपर नाम भी लिखा गया है और सब कुछ हमारा ओके हो गया आपके सामने। तो इसको मैंने कुछ नहीं किया, अब मैं क्रोमा की वाला ये जो है ना इसको ऐड करूँगा ताकि लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मैं इसको क्रोमा की मारूँगा ताकि हमारा ग्रीन वाला ख़त्म हो जाए। तो ये मैंने इसको क्रोमा की मारा और इसको मैं एडजस्ट करके छोटा सा करके किसी भी कोने पर रख सकता हूँ, मैं राइट कोने पर रखूँगा, आप अपनी मर्ज़ी से इसको एडिट या अपनी जगह पर सेलेक्ट कर लेना। तो ये एडिटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है A to Z। अब फेसबुक इस पे कॉपीराइट नहीं हमें दे सकता, LOC नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर आप इस तरह की एडिटिंग कर लेते हैं तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप फेसबुक में कामयाब होने के चांसेस आपके 99% हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर उससे भी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना ताकि आपके भाई आपके लिए ऐसी ऐसी मज़ीद वीडियो लेता आए। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने भाई को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।